से क्या फल प्राप्त होता है? स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत यह उल्लेख आया हुआ है कि वृद्धि शाद्य तथा प्रोक्तम महालय शताधिका तथो दस गुणा प्रोक्तम प्रयागे दिशतम प्रयाग दस गुणा तृप्ति कुरुक्षेत्र शतम कुरुक्षेत्रांत व्यास दशाधिका गया स्मृतम तथो दशाधिका न्यास महाकाल वने शुभे अवंत्यायाम सर्वत्र पुण्यम गया तीर्थ च सर्वदा यत्र प्रविष्ट मात्रेण पितरौ निरयसिताम ते सर्व स्वर्ग मायन्ति ब्रह्म भूया यह कलपते। अर्थात यहाँ पर यह कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए थे तो सांदीपनि ऋषि के अनुसार, उनके कथन के अनुसार, उनके 6 बच्चे जो थे उनका यहाँ पर उन्होंने मोक्ष का स्थान बनाया था और फल्गु तीर्थ को यहाँ पर प्रकट किया था। तब सांदीपनि ऋषि ने कहा कि प्रभु आपने मेरे बच्चों का तो कर दिया, लेकिन कलयुग में आने वाले नर नारियों को क्या सबूत रहेगा? तो अब प्रतिपदा से लगा करके सर्वोत्तम अवस्था तक और पूर्णमासी ये श्राद्ध की तिथियाँ मानी गई है। इन श्राद्ध तिथियों में 16 चरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक एक चरण एक एक तिथियों के अनुसार बना हुआ है। उन तिथियों के अनुसार उन चरणों का पूजन अर्चन होता है और तिथि पे किया गया श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जिस दिन तिथि होती है उस दिन उस चरण की पूजन अर्चन करते हैं, उसमें दूध जल तुलसी पत्र और श्वेत कमल अर्पण करने से सारे पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यापार व्यवसाय धन दौलत घर परिवार और वंश में आनंद की प्राप्ति होती है। सप्तऋषि जिसमें कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र भारद्वाज जमदग्नि गौतम अपने गोत्र के अनुसार यहाँ पर विराजित है, उन गोत्रों का यहाँ पर उल्लेख होकर के पंडित वर्ग वगैरह जो हैं वो अपने द्वारा अपने यजमानों का कार्य यहाँ पर करवा करके मोक्ष उनका होता है और इसको मोक्ष गया के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। जी आपका पूरा नाम? पंडित सुमन सर के नाम से मेरे को जानते हैं।